लोकसभा प्रत्याशी बनकर पहली बार खले पे आगमन हुआ है, क्या कहूँ? देखिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने भी देखा है कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और उमंग है, एक विश्वास है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में माहौल बनाया, जिले में माहौल बनाया, इलाके में माहौल बनाया, जनता समझ रही है मतदान करके और कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल के इसका जवाब देगी। किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरा? देखिए, इस जिले के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यदि हम बात करें मूल मुद्दे, जिससे कि मानव का, इंसान का जीवन जो प्रभावित होता है, उसमें धोती कपड़ा होना है, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। रोजगार के लिए युवा तरस रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। और ये वादे किए कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, कहाँ गए आपके पास? दूसरी बात, पलायन। यहाँ पलायन एक विषय नहीं है, पलायन दो तरफा विषय है। यहाँ खेती के छोटे लोगों को आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं मिल रहे, पलायन होते हैं। तो क्षेत्र में यदि लोग नहीं होंगे तो व्यापार भी प्रभावित होता है, तो व्यापार प्रभावित होता है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो मुद्दे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और कुछ ऐसे काम जो आज तक इस इलाके में नहीं हुए, युवा उसका इंतजार कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये तो उन्होंने 2014 में आके बोल दिया था कि अच्छे दिन हम लेके आएंगे, लेकिन अब अच्छे दिन रियल में आने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी मुद्दों के चुनाव लड़ेगी, ये क्या अनिश्चित इशू बना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे देश की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए, आप चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, कीजिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन इलाके में क्या बात है? इलाके की बात है, हमारा जो सामने का प्रत्याशी है वो मुद्दों से दूर जाके नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं, लोग इस चुनाव में पूरा जवाब देंगे। सामने लोकसभा चुनाव है, कई दिग्गज पार्टी छोड़कर चले गए, ऐसे में किस तरीके से चुनाव लड़ पाऊंगा? एक चीज होती है, जब हम पानी छानते हैं ना, तो सारा कचरा छन छन के बाहर हो जाता है और आखिरी में हम वही पानी पीते हैं जो बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो जितना कचरा है सब साफ को जान दीजिए और अच्छे लोगों को बच जाने दीजिए, हम इस देश को स्वस्थ बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी।